सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्यारे दोस्तों आप सबका वचन संगीत में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं एक दो दिन में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं और इसलिए प्यारे दोस्तों इस एपिसोड में हम थोड़ा समय क्रिसमस के बारे में सोचे विचार करें क्या है जो क्रिसमस हमें संदेश के रूप में देता है। एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बिशप जिनका नाम है फुल्टन जे शीन वो कहते हैं आगमन काल अर्थात जिस काल में हम अभी हैं येशु के इंतजार में हम समय बिता रहे हैं। बिशप जी कहते हैं आगमन काल सिर्फ येशु का हमारी ओर आने का काल नहीं है बल्कि एक ऐसा काल भी है जब हमें येशु की ओर जाना है। हम अक्सर सिर्फ यही सोचते हैं कि येशु हमारे पास आए ईश्वर ने मानव रूप धारण करके धरती में जन्म लिया हम सिर्फ उस पहलू के बारे में सोचते हैं मगर बिशप जी कहते हैं वो पहलू बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी सोचे कि हमें किस प्रकार येशु के और अधिक नज़दीक आना है। तो प्यारे दोस्तों वचन हमें बताता है जब हम कोशिश करते हैं येशु के नज़दीक जाने की प्रभु के निकट जाने की तो वचन कहता है येशु हमारे और अधिक निकट आता है। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 8 में वचन कहता है आप ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर आपके पास आएगा। हम अगर एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम इस क्रिसमस में सचमुच में येशु का अनुभव करना चाहते हैं जो हमारे पास आ रहा है वचन कहता है वो सर्वगुण संपन्न थे इसके बावजूद वो दरिद्र बनकर इस दुनिया में आए ताकि हम जो दरिद्र हैं सर्वगुण संपन्न बनने के लिए उसके पास जाएं। हमारा येशु जो कि सर्वशक्तिमान था वो शक्तिहीन बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम जो शक्तिहीन हैं शक्तिमान बनने के लिए येशु के पास जाएं। पर दोस्तों हम हमेशा इस क्रिसमस में इस बारे में विचार करें कि हम किस तरह येशु के पास आए। बारूक नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वचन संख्या 28 में नबी कहता है जिस उत्सुकता से तुम ईश्वर से दूर गए उसके 10 गुना उत्साह के साथ ईश्वर के पास वापस लौट आओ। तो प्यारे दोस्तों पाप करके ईश्वर के मार्गों में ना चल के हम अक्सर ईश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं और नबी कहता है जिस उत्साह के साथ तुम ईश्वर से दूर गए उसके 10 गुना उत्साह के साथ ईश्वर के पास आए और जरूर आप ईश्वर का अनुभव करेंगे प्रभु येशु का अनुभव करेंगे जो हमारे पास आया। प्रभु येशु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 वचन संख्या 48 में कहता है तुम पूर्ण बनो जिस प्रकार तुम्हारा पिता पूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों हमारा येशु यही चाहता है कि हम उसकी तरह बने हम पिता परमेश्वर की तरह बने। अगर येशु ने जो ईश्वर है मनुष्य रूप धारण किया तो उसका एक मकसद यह है कि हम जो मानव हैं
ईश्वर की तरह बने। हम दूसरों की तरह बनने के लिए नहीं, हम अपने माता पिता की तरह बनने या फिर अपने दोस्तों की तरह बनने या फिर हमारे जो भाई बहन हैं, जो कैथलिक हैं, जो ईसाई हैं, उनकी तरह बनने के लिए नहीं कह रहा यीशु। यीशु कह रहा है तुम्हारा मकसद पिता परमेश्वर की तरह बनना है। तो प्यारे दोस्तों, यही मकसद पूरा करने के लिए प्रभु यीशु हमारे पास आया है, क्योंकि सिर्फ उसकी कृपा से ही हम जो मनुष्य हैं ईश्वर की तरह बन सकते हैं, ईश्वर की छाया में हम जी सकते हैं। हम सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने हमें अपनी छाया में बनाया, मगर अक्सर हम ईश्वर की छाया में ना रहकर शैतान की छाया में जीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय हम ये निर्णय लें कि हम अधिक उत्साह के साथ, जितना उत्साह हम दिखा रहे थे ईश्वर के पास आने के लिए, जितना समय हम प्रार्थना कर रहे थे यीशु के पास, उससे कहीं अधिक प्रार्थना इन दिनों में हम करें, यीशु के पास हम समय बिताएं, ताकि हम भी यीशु की तरह बन पाए, ताकि हम भी यीशु की शांति का अनुभव कर सके, यीशु के आनंद का अनुभव कर सके। आइए हम इस गीत को सुने, बहुत ही सुंदर सा गीत है जिसमें बताया जा रहा है कि यीशु का जन्म एक कहानी जरूर है, मगर वो सच्ची कहानी है। प्यार दोस्तों, जितना अधिक हम यीशु के जन्म के बारे में विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमें यही बात समझाई जा रही है कि अगर यीशु इस धरती में आया है तो वो इसलिए ताकि हम उसकी तरह बने।
प्यारे दोस्तों, हमने सुना एक बहुत ही सुंदर गीत जिसमें हमें बताया गया है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है। ये राजा बिल्कुल ही अनोखा है, क्योंकि यीशु से पहले जो जो राजाओं को हमने देखा वो उनका जन्म महलों में हुआ। वो पूरी जिंदगी में वो अपने महल में उन्होंने अपना जीवन बिताया, आरामदायक सुख सुविधाओं के साथ वे घिरे रहे, आरामदायक बिस्तरों में वे सोए, उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। मगर जब हम यीशु के बारे में विचार करते हैं, एक नए राजा के बारे में जब हम सोच रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों, वचन हमें बताता है कि यीशु का जन्म ना तो महल में हुआ, यीशु की सेवा करने के लिए ना तो कोई नौकर चाकर थे, यीशु के सामने ना तो स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते थे, उसे आरामदायक बिस्तर नहीं मिले, मगर इसके बावजूद वो राजा है। वो किस बात का राजा है? वचन कहता है वो शांति का राजा है, वो आनंद का राजा है। पर दोस्तों, ये शांति बहुत ही अनोखी शांति है। ये जो आनंद जो यीशु वादा करता है, वो एक ऐसा आनंद है जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मगर जो आनंद, जो खुशी, जो शांति बाकी राजाओं ने अनुभव किया, वो परिस्थितियों में आधारित था। जब तक वो महल में रह रहे हैं वो आनंदित थे, जब तक उनके सामने स्वादिष्ट खाना परोसा जा रहा था वे आनंदित थे, जब तक वे आरामदायक बिस्तर में सो रहे थे वे खुश थे। मगर जैसे ही ये सारी चीजें, उनका सिंहासन जैसे ही उनसे छीन लिया जाता है, वे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मगर प्यारे दोस्तों, यीशु बताता है मैं जो शांति तुम्हें दूंगा वो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। पर दोस्तों, जिंदगी भर हम भाग दौड़ करते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं ताकि हम एक अच्छा घर बना सके, हम एक नौकरी पाना चाहते हैं और इसलिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। जब नौकरी मिलती है हम पैसा कमाते हैं और शायद एक पैसा भी हम बर्बाद किए बिना हम उसे जुटा जुटा कर रखते हैं ताकि हम अपनी परिस्थितियां सुधार सके, ताकि हम आखिरकार खुशी का अनुभव कर सके, आनंद का अनुभव कर सके। मगर प्यारे दोस्तों, सच्चाई ये है, हम चाहे जितना भी बड़ा घर बना ले, हमें चाहे जितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें चाहे जितनी ही बड़ी ओहदे पर काम करने का अवसर मिल जाए, हमें चाहे जितनी ही ऐशो आराम मिल जाए, जितनी ही स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिल जाए, यीशु अपने जन्म के द्वारा हमें बता रहा है ये सब बातें जरूरी नहीं है। हो सकता है ये सब बातें होने के बावजूद भी आप नाखुश हो। ऐसे कई लोगों से भेंट हुई जिनके पास सब कुछ है, बहुत अमीर है, बहुत सारा पैसा है, धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में। तो प्यारे दोस्तों, हम जब यीशु के जन्म के बारे में विचार करते हैं, जिस यीशु ने चरनी में जन्म लिया, वो यीशु हमें यही बता रहा है कि शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए तुम्हें बाहरी परिस्थितियां सुधारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले
तुम्हें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है और वो है यीशु का अनुभव। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, जाओ तुम्हारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, जाओ और उसे देखो। चरवाहों ने एक पल भी बर्बाद किए बिना वे भागे यीशु का अनुभव करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, हम पाते हैं वे खुशी के मारे झूम उठे, नाच उठे। उन्हें एक ऐसी आनंद का अनुभव हुआ, ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जो कोई भी उनसे छीन नहीं पाया। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम भी हमारे जीवन में चरवाहों की तरह खुशी के मारे नाचना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं हर रोज, तो हमें भी यीशु का अनुभव करना होगा। अब जो हम गाना सुनने जा रहे हैं उसमें हमें यही बताया जा रहा है कि चरवाहे किस प्रकार झूम उठे, किस कारण से वो झूम उठे, वो क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा आनंद आया है, एक ऐसी शांति आई है जो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। ध्यानपूर्वक हम जब इस गीत को सुन रहे हैं, मनन चिंतन करें और प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु मैं भी तेरा अनुभव करना चाहता हूं। चरवाहे हम चरवाहे हम चरवाहे हम चरवाहे हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, हो मिलके करे वंदना, हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर, राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बन कर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बन कर, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना, पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे, पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बन कर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बन कर, हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना, हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु,
हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर, चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, हम चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना, मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल, जिसका दुनिया में नहीं मोल, मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल, जिसका दुनिया में नहीं मोल, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर, हम चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, हम चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। तो प्यारे दोस्तों, हमने सुना यीशु जिसका जन्म चरनी में हुआ वो मुक्ति दाता है। यीशु हमें मुक्ति देना चाहता है, और विशेषकर वो हमें मुक्ति देना चाहता है हमारे पुराने विचारों से, हमारे गलत दृष्टिकोण से। हमारा जो नजरिया है वो हमें बदलना चाहता है यीशु। मुझे याद है एक दिन एक महिला मेरे पास आती है और वो कहती है, फादर जी मैं बहुत ही नाखुश हूं। मैंने जब उससे पूछा कि कारण क्या है, तो कहती है मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूं। तो पैर दोस्तों, ये महिला सोच रही है, इसका नजरिया ये है कि वो दुखी है, वो नाखुश है क्योंकि उसे उसके पति का प्यार नहीं मिल रहा। मगर वचन हमें बताता है कि अगर तुम्हें अपने पति का प्यार मिल जाए, पत्नी का प्यार मिल जाए, बच्चों का प्यार मिल जाए, माता पिता का प्यार मिल जाए, या फिर अपने दोस्तों का प्यार मिल जाए। हम लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं ताकि हमें उनका प्यार मिले। वचन कहता है जिस भी व्यक्ति का प्यार तुम्हें मिल जाए इस दुनिया में, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कि तुम्हें वो आनंद का अनुभव होगा। यह गलतफहमी है। बाइबल हमें बहुत ही साफ तरीके से समझाता है कि मनुष्य का प्यार हमें कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। हमें लगता है कि जब हमें हमारे पति का प्यार मिलेगा, या पत्नी का प्यार मिलेगा, या फिर जब हमारे चहितों का प्यार मिलेगा, तब हम खुश हो जाएंगे। मगर वचन कहता है कि किसी का भी प्यार हमें खुश नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर का प्यार ही हमें आनंदित कर सकता है। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा गया है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वो प्रार्थना यह है, हे प्रभु मुझे अपने चिरस्थाई प्रेम से तृप्त कर। तो प्यार दोस्तों, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो ईश्वर के प्यार के लिए तरस रहा है, यीशु के लिए तरस रहा है। और अगर हम इस प्यार की खोज अपने पति पत्नी या बच्चों में करेंगे, हमें कभी वो नहीं मिलेगा। और इसलिए हम अक्सर निराश हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए यीशु इस क्रिसमस के समय हमें मुक्ति देना चाहता है इन गलत फहमियों से, इन गलत नजरियों से वो हमें मुक्ति देना चाहता है। सबसे पहले हम अपने विचारधारा को बदले और हम ये विश्वास करें कि
कि सिर्फ यीशु का प्यार ही मुझे खुश कर सकता है, सिर्फ यीशु ही मुझे वो आनंद दे सकता है, कोई और व्यक्ति मुझे वो शांति नहीं दे सकता। जब हमारे मन में यह विचार आएगा तो प्यार दोस्तों फिर हम प्रयत्न करेंगे, यीशु के प्रेम का अनुभव करने की प्रयत्न हम करेंगे। और अगर हमें यीशु के प्यार का प्रयत्न करना है तो हमें अपना पूरा भरोसा यीशु पर रखना होगा, पूरा भरोसा, पूरा मन और पूरा हृदय हमें यीशु पर केंद्रित करना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इन दिनों हम विशेषकर प्रार्थना करें, कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक समय यीशु के साथ बिताएं। कोशिश करें जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम अपना मन और हृदय यीशु पर केंद्रित कर सके, ताकि हम भी यीशु के प्यार का अनुभव करें। बाइबल पढ़े प्यार दोस्तों, वचन को पढ़े, ताकि जो ईश्वर का वचन है वो हमारे हृदय में मांस धारण कर सके। संत योहन कहता है, आदि में वचन था और ये वचन ईश्वर ही है, इस ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। तो प्यार दोस्तों, ईश्वर का वचन कुछ इस प्रकार का है कि वो मांस धारण करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ, तो ईश्वर का वचन हमारे हृदय में मांस धारण करता है। और प्यार दोस्तों, जब ईश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आता है तो हमें यीशु का वही आनंद और शांति का अनुभव होता है। तो प्यार दोस्तों, प्रार्थना करें इस समय हम प्रार्थना करें यीशु से, ताकि हमारे सभी गलत विचारधाराओं से हमें मुक्ति मिले। एक पल के लिए हम अपने हाथों को जोड़े, आंखें बंद करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू मुक्ति दाता है, तू हमारे जीवन में आया ताकि हमें कई प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिले, हमारे विचारधाराओं से जो गलत हैं, गलत फहमियों से, हमारे जो नजरिया जो गलत हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिले। हे प्रभु, आज तक मैं यही सोचता आया कि मैं नाखुश हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक घर नहीं है, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, या फिर मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं है, मेरा खुद का पति या पत्नी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। हे प्रभु, आज तू मुझे बता रहा है कि इनमें से कोई भी चीज़ मुझे तृप्त नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही मुझे वो शांति और आनंद दे सकता है। हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा भेज और मुझे इस विचार में बढ़ने की कृपा दे, ताकि मैं अधिक से अधिक तेरे पास आकर तेरा अनुभव करने का प्रयत्न करूं। प्रार्थना में मेरा मन लगा है प्रभु, एक चाहत, भूख और प्यास मेरे हृदय में उत्पन्न कर। ये प्रार्थना हम करते हैं मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।